हेलो फ्रेंड्स, मैं सारिक। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये पाउच का क्राफ्ट लेकर आई हूँ। इसे बनाने के लिए हमें ऊन, क्रोशिया, सुई, चेन और कैंची, इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये चेन लेनी शुरू करी। चेन आपने उतनी लेनी है जितना बड़ा आपको पाउच चाहिए। चेन हमने डबल करने के हिसाब से लेनी है। मैंने ये 60 चेन ली है और 60 चेन को मैं डबल कर दूंगी और मेरा एक साइड का 30 हो जाएगा। ये देखिए, मैंने 60 चेन ले ली है और ये जो हमारी फर्स्ट, जहाँ से हमने चेन को शुरू किया है, यहाँ पर मैं इसे बांध रही हूँ। ये बांधने के बाद हमारा डबल हो गया है। अब आगे, अब सेकेंड रो स्टार्ट करने के लिए हमें सिंगल क्रोशिया चलाते हुए सब चेन को भरना है। ये देखिए, मैंने चेन भरना शुरू कर दिया है। आप भी इसी तरह से चेन को भर लीजिए। चेन भरते हुए हमें पूरा इसे फिल कर देना है। ये मेरी चेन भरकर तैयार हो गई है। ये देखिए, ये मेरा जो फर्स्ट रो है, ये बनकर तैयार हो गया। सेकेंड रो में सबसे पहले हमने 3 चेन से स्टार्ट करना है और जहाँ पर हमने नीचे सिंगल क्रोशिया चलाते हुए चेनों को पूरा भरा है, उसी तरह से ही हमने सब चेनों को डबल क्रोशिया चलाते हुए भर लेना है। ये मैंने डबल क्रोशिया चलाते हुए पूरी चेनों को भरना शुरू कर दिया है। ये देखिए, आप भी इसे सेकेंड रो में पूरी चेनों को भर लीजिएगा। इसी चेन के ऊपर से हमारा डिज़ाइन बनना शुरू होगा। ये देखिए, मैंने सेकेंड रो की भी पूरी डबल चेनें भरकर तैयार कर दी हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, हमारा इस तरह से ये हो गया। अब थर्ड रो में हमने डिज़ाइन के लिए जो स्टार्ट करना है, उसे हमने बनाना है। सबसे पहले मैंने ये 3 चेन ली। जहाँ से मैंने 3 चेन ली है, उसी में ही मैंने डबल क्रोशिया फिर से चलाया है। वो हमारा 1 का 2 हो गया है। अब 2 चेन लेनी है। ये देखिए, 2 चेन ली। अब नीचे से 2 चेन छोड़कर जो थर्ड वाला है, यहाँ पर हमने इसे फिर से डबल क्रोशिया चलाते हुए 1 बार लेना है। अब हमने फिर से 2 चेन लेनी है और 2 चेन छोड़ते हुए थर्ड चेन से हमने 2 बार डबल क्रोशिया चलाना है, 1 और उसी चेन में से दूसरी बार। इसी तरह से ही हमने ये पूरा सर्किल कंप्लीट करना है। पहले 2 एक ही चेन से, फिर 2 चेन और फिर 1। इस तरह से करते हुए हमने ये सर्किल कंप्लीट कर दिया है कि मेरा ये सर्किल कंप्लीट हो गया है। अब 2 चेन लेने के बाद मैं इसे, जहाँ से हमने ये 2 लेना शुरू किया है, इसके साथ में यहाँ पर इसे बांध दूँगी। ये बांधने के बाद यहाँ से ही हमारा डिज़ाइन बनना शुरू होगा। जो हमारा हार्ट की शेप बननी है, यहीं से ही हमने बनानी शुरू करनी है। ये देखिए, जो ये पहले वाला है हमारा, जहाँ पे हमने 2 बनाए हैं, वो पहले वाला है। यहाँ से हमने 5 बार डबल क्रोशिया लेना है। 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये 5 होने के बाद जो हमारा दूसरा हमने उसी चेन में से बनाया है, उसके जो नीचे की चेन जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है, यहाँ पर हमने इसे सिंगल क्रोशिया के साथ बांध देना। देखिए, मैंने इसे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ बांध दिया है। आप नेक्स्ट जो हमारा दूसरा है, दूसरी साइड जो हमने बनाया है, इसमें भी हमने दोबारा से 5 बार डबल क्रोशिया चलाना है। ये देखिए, मैं यहाँ पर भी 5 बार डबल क्रोशिया चलाना शुरू
कर रहे हो। ये एक, दो, ये तीन, चार, चार और ये पांच। ये दोनों साइड के हमारे पांच पांच होने के बाद ये हमारी हार्ट की शेप बनकर तैयार हो गई है। अब ये जो हमने सिंगल वाला डाला है, सिंगल वाले में इसे हमने बांध देना है। सिंगल वाले में सिंगल क्रोशिए से हमने इसे यहाँ पर बांध दिया है। ये देखिए, ये हमारी हार्ट की शेप बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसी तरह से ही ये जो दो हैं आगे वाले, इसमें एक साइड पांच और दूसरी साइड पांच, और नीचे को बांधते हुए और ऊपर को बांधते हुए इसे हमने कंप्लीट कर लेना है। हमने पूरे सर्किल में, पूरे रो में इसी तरह से ही हार्ट की शेप बना लेनी है। फ्रेंड्स, आप अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत सुंदर भी लगता है। अब आगे ये देखिए, मैं दूसरी साइड से भी इसे बना रही हूँ। इसी तरह से ही जिस तरह मैंने उस साइड पांच पूरे किए हैं, इस तरह मैं इसी साइड भी पूरे कर लूँगी। ये देखिए, ये मेरी हार्ट की शेप बनकर तैयार हो चुकी है। ये मैंने पूरे सर्किल में हार्ट की शेप बनाकर तैयार कर दी है। अब नेक्स्ट रो, नेक्स्ट रो में जहाँ पर हमने बांधा है वहाँ पर हमने डबल क्रोशिया लेना है, और जहाँ हमने हार्ट की शेप बनाई है वहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया, सिंगल बार डबल क्रोशिया चलाना है। ये देखिए, जहाँ पर मैंने बांधा था वहाँ पर मैंने डबल कर दिया है और ये दो चेन ली है, और जहाँ पर हार्ट की शेप बनी है वहाँ पर मैंने सिंगल बार डबल क्रोशिया चलाया है। फिर से दो चेन, और इस तरह से हमने सर्किल को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से पूरा घुमाकर मैं सर्किल को कंप्लीट कर रही हूँ। आप भी इसी तरह से ही नेक्स्ट रो बनाने के लिए पहले इस तरह से बांध लीजिएगा। ये देखिए, मेरी रो बनकर तैयार हो चुकी है। अब जिस तरह से हमने नीचे ये हार्ट की शेप बनाई थी, उसी तरह से ही हमने एक साइड से पांच और दूसरी साइड से पांच, नीचे को और ऊपर को बांधते हुए कंप्लीट कर लेना है। अब जो ये हमारी नीचे की हार्ट की शेप बनी है, उसके बीच में ये जो हम ऊपर बना रहे हैं वो हार्ट की शेप आएगी। जिस तरह से हमने नीचे एक साइड से पांच लिए थे और दूसरी साइड से पांच लिए थे, नीचे को बांधते हुए और ऊपर को बांधते हुए कंप्लीट किया था, उसी तरह से ही हमने यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, मेरी एक साइड की पांच बनकर तैयार हो गई है और दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से ही कंप्लीट कर लूँगी। ये एक साइड की पांच होने के बाद मैंने इसे नीचे, जो ये हमारा सिंगल वाला था, इसमें मैं इसे बांध रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसे इसमें बांध दिया है, और ये जो ऊपर का दूसरी साइड है यहाँ पर मैं फिर से पांच बार डबल क्रोशिया चलाते हुए इसे कंप्लीट करूँगी। ये देखिए, मेरे पांच बार डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए हैं। ये देखिए, ये जो हार्ट की शेप आई है, नीचे के दो हार्ट के ऊपर मिडल में वो वाली शेप आई है, और यहाँ पर मैं इसे सिंगल क्रोशिए के साथ बांध रही हूँ। इसी तरह से ही हमने पूरे सर्किल को बना लेना है।
ये जो हमारा डिज़ाइन है हार्ट की शेप का, ये हमारा पूरा बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पाउच का डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। ये एक एक हार्ट की शेप के बीच में हमारी एक एक हार्ट की शेप आ गई है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो हमने ऊपर चेन लगानी है उसे हमने बनाना है। ये ऊपर की हमारी जितनी भी चेन आई है वहाँ पर हमने डबल क्रोशिया चलाते हुए चेनों को भर लेना है। सब चेनों के बीच में से हमने डबल क्रोशिया चलाते हुए पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए, मैंने डबल क्रोशिया चलाते हुए चेनों को भरना शुरू कर दिया है। आप भी इसी तरह से ही पहले चेनों को भर लीजिएगा। ये मेरी चेन भरकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चेन को पूरा भर दिया है। इसी तरह से ही हमने दो बार डबल क्रोशिया चलाते हुए चेन को भरना है और ऊपर दो बार सिंगल क्रोशिया से चेन को भरना है जिसके ऊपर हमारी चेन लगेगी। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से लगेगा। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से लगेगा। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, ये जहाँ से हमने चेन को बंद करना है इसे हमने यहाँ से धागे को काट के नीडल से इसे सिल लेना है ताकि हमारा धागा नज़र ना आए। ये देखिए, मैं इसे यहाँ से गांठ लगाते हुए इसे यहाँ पर सिल दूँगी। आप भी इस तरह से इसे सिल दीजिएगा ताकि पता ना लगे कि आपने धागा कहाँ पर छोड़ा है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे यहाँ पर चेन की तरह सिल कर तैयार कर दिया है और धागे को पीछे को कर दिया है। आप भी इसी तरह से ही इसे सिल कर धागा पीछे कर दीजिएगा। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने पाउच को उल्टा कर लेना है और ये नीचे की साइड से हमने इसे क्रोशिए से सिल देना ताकि हमारा पाउच नीचे की साइड से सिला जाए। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारा पाउच सिलकर कैसा हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिए से गांठ लगा के धागे को काट लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पाउच सिलने के बाद किस तरह से लग रहा है। आपको ये कैसा लगा, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में शेयर करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए इसी तरह के नए वीडियोस और लेकर आऊँगी जो कि आप आसानी से अपने घर पर ही बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे सीधा कर दिया है और ये किस तरह से लग रहा है आप खुद ही देख लीजिए। अब हमने इसे शेप देनी है। शेप देने के लिए हमने साइडों से इसे थोड़ा थोड़ा सिल देना है जिसके ऊपर हमने चेन लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों साइड से पकड़ के इसे थोड़ा सा सिल दिया है और दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह से ही इसे पूरा सिलना है ताकि हमारी पाउच की शेप बन जाए। ये देखिए, मैंने इसे सिल कर तैयार कर दिया है और दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से ही इसे सिल दूंगी। आप बताइएगा कि आपको मेरा ये पाउच कैसा लगा। अब हमने लास्ट में इसके ऊपर चेन लगानी है। चेन को हमने उल्टा पकड़ के इसे यहाँ से सिल देना है। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये पाउच कैसा लगा, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपके लिए और ऐसे ऐसे क्राफ्ट लेकर आ सकूँ। स्टे होम एंड स्टे सेफ।